नमस्कार के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचा सिंह। आज बताइए, शुरुआत करते हैं खबरों। लटेरी वन विभाग द्वारा फिर से एक बड़ी कार्रवाई। अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रेत सहित जब्त की गई है। क्षेत्र में अवैध उत्खनन के कई मामले जोरों पर है। उसी की रोकथाम को लेकर आज मुखबिर की सूचना पर विभाग द्वारा रेत का अवैध उत्खनन करते हुए एक ट्रैक्टर चालक को लटेरी दक्षिण रेंज के नदी के पास खेरा झोरा से रेत का अवैध उत्खनन करते हुए पकड़ा गया है। आइसर ट्रॉली में नदी की देसी रेत भरी जा रही थी, जिसको वन अमले द्वारा मौके पर जाकर धर दबोचा किया है। मौके पर ट्रैक्टर चालक सागर सिंह जादू निवासी कोलुआ पठार के नाम अवैध उत्खनन का मामला पंजीवृत कर प्रकरण जांच में लिया गया है। इस कार्रवाई में समस्त वनमंडल लटेरी शामिल रहे। मुनव्वर खान के साथ नसीम हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आज जो कार्रवाई की है सर, उसके बारे में बताना चाहते हैं। आज क्या है, सुबह ठंड बहुत अधिक थी, तो एक ट्रैक्टर मालिक द्वारा वन भूमि पर रेत भरने के लिए ले जाया गया था, जिसकी सूचना हमको मुखबिर द्वारा मिली। तो मौके पर हम लोग पहुँचे, वहाँ पर एक आयशा ट्रैक्टर ट्राली में कुछ लोग रेत भर रहे थे। उनको मौके पर जाकर देखा तो उसके बाद मौके से ट्रैक्टर को जब्त कर प्रकरण बनाया गया और यह लटेरी लाया गया। तो उसमें क्या सामान जब्त हुआ है सर? उसमें एक छन्ना था, एक फावड़ा था, एक तगाड़ी थी, और ट्राली में रेत भी भरना उन लोगों ने चालू की थी, कुछ रेत भी भरी। तो किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है सर? हमारे भारतीय वन अधिनियम 1927 में उत्खनन के अंतर्गत इसको प्रकरण तगाड़ी का जब्त किया गया है। हाँ, धारा है सर, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1) घा के अंतर्गत जब्त किया गया। कुछ मुजरिम भी पकड़े हैं या भाग गए? हाँ, एक व्यक्ति था जिसने अपना भाई मौके पर ट्रैक्टर होना स्वीकार किया था, उसके नाम ही प्रकरण बनाया गया है। सागर सिंह यादव ने कोई कुल हुआ के तो उनको मौके पर लेके आए थे, ट्रैक्टर को लेके आए थे, कार्रवाई की। ठीक है सर, धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।